एवरीवन, जय माँ वैष्णो। एग्जाम के बाद नई क्लास में फर्स्ट डे कितना ज्यादा एक्साइटेड होता है ना, तो चलो आज इसी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट डे जब हमें नई क्लास में एंटर करना होता है, उसकी तैयारी हम रात से ही करना शुरू कर देते हैं। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हाई होती है कि क्या करें क्या ना करें कुछ समझ ही नहीं आता है। तो चलो मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी यूनिफॉर्म और अपने शूज़ को अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपकी यूनिफॉर्म छोटी हो गई है, फट गई है, पुरानी हो गई है, टाइट हो गई है, तो आप न्यू ला कर रख लीजिए। और शूज़ का भी सेम हाल है, अगर वो पुराने हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, तो आप नए ले आइए। या अगर आपको पुराने ही पहनने हैं तो उनको अच्छे से धोकर सुखाने के लिए रख दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अच्छे अच्छे शूज वेयर कर सकें। आप सभी अपने स्कूल में एक स्टैंडर्ड हाई होने वाले हैं, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में भी एक स्टैंडर्ड आगे बढ़ना होगा। पीछे जितनी भी गलतियां हो गई उन्हें भुलाकर आपको आगे फोकस करना है। और स्कूल टाइम पर तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी क्लीनिनेस और हाइजीन का रखना है। एग्जाम के बाद जो छुट्टियां पड़ती थी ना, उसमें मैं अपने नेल्स को बड़ा कर लिया करती थी, क्योंकि मुझे बड़े नेल्स का बहुत शौक था। स्कूल में तो रख नहीं पाती थी, इसलिए छुट्टियों में ही अपने ये शौक पूरे कर लिया करती थी। लेकिन स्कूल स्टार्ट होने से एक दिन पहले अपने नेल्स को अच्छे से कट कर लेना, नहीं तो पहले दिन ही टीचर पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे स्कूल में प्रेजेंटेबल और क्लीन लगने के लिए एक दिन पहले अपने आप को अच्छे से ग्रूम करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आईब्रोज बनाते हैं तो वो बना लीजिए, अपर लिप्स बना लीजिए, अपने व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करिए, DIY फेस मास्क लगाइए। आपकी स्किन पर जो भी चीज़ सूट होती है, जिन भी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ग्रूम रखने के लिए, वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने तो अपने 12th तक आईब्रोज नहीं बनाई थी, लेकिन मेरी क्लास में बहुत सी गर्ल्स थी जिन्होंने आईब्रो स्टार्ट कर दी थी। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं ना छुट्टियों में अक्सर ये गलतियां कर लिया करती थी। मैं अपने हेयर कट पर इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती थी, जिस वजह से कभी कभी तो मेरे आगे के बाल बेतुके कट जाते थे और फिर उनको चोटी में डालना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता था। तो मैं एक दिन पहले बैठकर अच्छे से ट्यूटोरियल्स चेक करती थी, ताकि नेक्स्ट डे मैं क्लीन और प्रॉपरली अपने हेयर स्टाइल को बनाकर जा सकूं। मैंने स्कूल हेयर स्टाइल पर एक वीडियो शूट करी है, आप लोग चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं, तो आपको एक दिन पहले अच्छे से हेयर स्टाइल भी सीख लेने हैं। इतना करने के बाद हम सीधा अपने स्टडी टेबल पर चले जाएंगे और सारी चीजों को आज हम बैठकर डीक्लटर करेंगे। आप पुराने सेमेस्टर की अपनी सारी बुक्स को बाहर निकाल लीजिए और जो ये न्यू स्टैंडर्ड है इसकी बुक्स को अंदर डाल दीजिए। आप बुक्स को स्टोर करके रखते हैं तो वो रख लीजिए। मैं तो क्या किया करती थी, अपनी प्रीवियस ईयर की बुक्स को बच्चों में बांट दिया करती थी, ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। या अगर बच्चे नहीं होते थे आसपास, तो मैं वही बुक्स को ना स्टेशनरी शॉप में जाकर दे दिया करती थी, वो हाफ प्राइस हमें वापस दे देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप अपनी बुक्स को रद्दी में तो बिल्कुल भी मत भेजिए। एक तो उसका प्राइस भी नहीं मिलता है, दूसरा वो वेस्ट ही जाती है, इससे अच्छा किसी के काम आ जाए वही बेहतर है। तो आप लोग अपनी पिछले बुक्स का क्या करते हैं मुझे जरूर बताना, मैं सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोग मेरा वाला फंडा अपनाते हैं या आपका कुछ नया है। अब जैसे कि हम आज तैयारी कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट डे अच्छे से अपने न्यू स्टैंडर्ड की शुरुआत कर सके, तो आप जो भी नई नोटबुक बुक्स लेकर आए हैं उसमें अच्छे से कवर लगा लीजिए, बुक्स में भी अच्छे से पन्नी वगैरह लगवा लीजिए, ताकि पूरे साल आपकी बुक नोटबुक सही तरीके से सेफ रहे और उसमें आप जो भी चीजें लिखें वो आपके लास्ट एग्जाम तक आपके काम आ सके। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी बुक नोटबुक के साथ साथ एक रफ कॉपी जरूर लेकर जाएं, ताकि टीचर शुरुआती दिनों में आपको कुछ लिखवाए तो आप पहले रफ में लिख लें, फिर घर में आकर उसे फेयर कर दें। इसी के साथ आज की रात हम प्रिपेयर करेंगे अपनी इमरजेंसी किट, जो हमेशा आपके बैग में रहेगी। ये मैंने अपने हिसाब से प्रिपेयर करी है, इसमें ऊपर नीचे चीज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है सैनिटरी पैड, इसके बाद मैंने इसमें रखा है एक मास्क, अगर आप मास्क अप्लाई करते हैं। आपको कोई भी एक स्नैक्स रखना है अपने साथ, जो भी आपको खाना पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट चीज रखी है मैंने नेल कटर, अगर हमारे नेल्स कभी बड़े रह जाए या हमारे फ्रेंड को जरूरत हो तो उसके लिए। इसके अलावा च्युइंग गम और मिंट हमेशा आपके इमरजेंसी बैग में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज है लिप बाम, यहाँ पर मैंने बोरोलिन लिया है, बहुत ही अच्छा है ये, सही मिल गया मुझे दुकान पर 10 रुपए का, तो मैं उठाकर ले आई थी। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए कुछ कैश, जो भी आपको रखना है। आपके पास हमेशा मेडिसिन भी होनी चाहिए, बैंडेज, कभी स्कूल में खेलते गिरते अगर आपके कभी लग जाए तो बैंडेज होनी चाहिए। कुछ हेयर एक्सेसरीज जैसे कि पिन, रबर बैंड हो गया। तो यही कुछ चीजें हैं जो आपके इमरजेंसी किट में मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आप लोग क्या रखते हैं मुझे बताना, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम से इंक्लूड कर सकूं। तो यहाँ पर प्रिपेयर है हमारी इमरजेंसी किट।
इसके अलावा जब हम नई क्लासेस में जाते हैं ना, तो हमें न्यू टीचर्स मिलते हैं, तो कुछ दिन हम उनको बैठकर समझते हैं, वो हमको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने टीचर्स पर अच्छा इंप्रेशन डालने का। तो आप एक रात पहले क्या करिए, अपनी सारी नोटबुक के ना पहले चैप्टर्स को थोरोली पढ़ लीजिए, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि इन चैप्टर्स में किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, और जब आपकी टीचर इन चैप्टर्स को पढ़ाएगी तो आप और अटेंटिव तरीके से इसे पढ़ पाएंगे, और अगर वो कोई क्वेश्चन करेगी तो आप लोग आंसर भी दे पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और मैं तो इसे अपने स्कूल के एक दिन पहले जरूर अपनाया करती थी। और इसके बाद हम बनाएंगे अपनी टू डू लिस्ट कि नेक्स्ट डे हमें क्या क्या चीज अपने साथ ले जानी है, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। शुरू से ही हम अपना एक सेटअप बनाकर चलेंगे। मेरी वीडियोस देखकर अगर आप टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है अब तक तो अब स्टार्ट कर दीजिए। इनके अलावा अगर आपको इंडेक्स वगैरह बनाने होते हैं स्कूल की फर्स्ट पेज पर, या फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का आपको डिजाइन बनाना होता है, तो वो सब भी आप एक रात पहले ही बनाकर रख लीजिए, ताकि आपको स्कूल में ये सब चीजें ना करनी पड़े। इसके अलावा आज ही हम अपना स्टडी टाइम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम 7 के 7 डेज लिखेंगे और ऊपर वो वाले सब्जेक्ट लिखेंगे जिसमें हमें शुरू से ही ध्यान देना है। लास्ट में बाद में परेशान होने की जगह अच्छा है कि हम शुरू से ही अपना स्टडी का रूटीन बनाते हुए चलें। आपको घंटे लिखने हैं कि रोज आप किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देंगे, बस इसी तरीके से हमें स्टडी रूटीन बनाना है और उसे शिद्दतली पूरे साल फॉलो करना है। अब इसके बाद करेंगे हम अपना स्कूल बैग को पैक। सारी बुक्स नोटबुक रख लीजिए जो जो आपको इम्पोर्टेंट है, अपनी रफ नोटबुक याद से रख लीजिए, अपने पेन पेंसिल मार्कर जो भी चीज़ें कलर्स जो भी आपको चाहिए पहले दिन के लिए वो सब रख लीजिए, और आई कार्ड रखना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें हम भूल जाए। इनके अलावा आप अपने स्कूल के टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल को भी एक दिन पहले अच्छे से वॉश कर रख लीजिए, क्योंकि आप लास्ट टाइम जब स्कूल गए होंगे आपने तभी उनको यूज़ करा होगा, उसके बाद वो ऐसे ही पड़े होंगे, तो उसको दोबारा से यूज करने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेना। और बस इसके बाद आप डिनर करिए, अपना नाइट रूटीन फॉलो करिए जो भी आप करते हैं, और आज जल्दी सो जाइए क्योंकि कल आपको स्कूल टाइम से एक घंटा पहले उठना है, ताकि आपने जो जो अपने काम टू डू लिस्ट में लिखे हैं ना वो सारे कंप्लीट कर सको। तो आपको एक अच्छा सा रूटीन फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मॉर्निंग में ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपके पास मॉर्निंग में इतना समय नहीं होता कि आप सारी एक्टिविटीज को टाइम दे सके। तो आपको राइट डाउन करना है पहले ही कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज सुबह करने वाले हैं जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेगी। आपको जो भी इफेक्टिव लगे, सुबह उठकर रीडिंग करना अच्छा लगे तो वो करिए, और अगर आपको पार्क जाना अच्छा लगे तो आप वो करिए, कि कुछ चीजें जो आपको करनी ही है आपके मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड होनी ही चाहिए, वो है सुबह उठकर गर्म पानी पीना, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज को देना, चाहे आप इंटेंस वर्कआउट करिए, योगा करिए, नॉर्मल वॉक करने चले जाइए, पार्क चले जाइए, या फिर आप मेडिटेशन करिए, मतलब इनमें से कोई भी चीज़ आपको करनी ही है डेली, ठीक है। इसके अलावा अपना बेड बनाना और अपनी हाइजीन का ध्यान रखना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रूटीन में होनी ही चाहिए। अब आपको इसे कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो आपको देखना है, क्योंकि अभी अगर आप धीरे धीरे ये हैबिट्स बना लेंगे ना, धीरे धीरे आप इनको फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो आपको ना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे। इसीलिए सुबह एक अच्छा सा इफेक्टिव सा सिंपल सा रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, और अब चलते हैं सीधा नहाने के लिए। नहाने के बाद आपको फॉलो करना है अपना स्किन केयर। आज मैं आपको ना अंडर बजट वाला स्किन केयर बताऊंगी जो आप सब अफोर्ड कर सकते हैं और इजीली अपना स्किन केयर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अच्छे से हेयर स्टाइल बना लेती हूँ ताकि ये बाल मुझे डिस्टर्ब ना करें।
चलो अब स्किन केयर पर आते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स चुनने की कोशिश करी है और स्पेशली मैंने ध्यान रखा है कि इनका बजट बहुत कम हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारा स्कूल टाइम पर बजट इतना हाई नहीं होता है। तो सबसे पहले फेस वॉश के लिए मैंने यहाँ पर तो फेयर एंड लवली का फेस वॉश लिया है, लेकिन मैं गई हिमालय का लेने थी लेकिन वो ख़त्म हो चुका था। तो आपको हिमालय का 10 या 15 रुपए वाला फेस वॉश आता है वो ट्राई करना है, वो बहुत ही अच्छा रहता है स्किन के लिए। इसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आप जॉय की ये 10 रुपए वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। लिप बाम के लिए मैंने बोरोलिन लिया है, ये भी मुझे 10 रुपए का ही पड़ा है। अब आप नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो मंदिर में जाइए स्कूल जाने से पहले, अच्छे से हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना करिए कि आप इस स्टैंडर्ड को अच्छे से पार कर पाएँ, जो भी आपको क्लास में समझाया जाए वो आपको अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और आप आगे इसी तरह बढ़ते रहें। और भगवान का आशीर्वाद मांगिए कि वो हमेशा आपके साथ रहें, अगर वो आपके साथ है ना तो इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं तो स्कूल जाने से पहले हमेशा टीका लगाकर ही जाया करती थी ताकि मुझे माता रानी का अनुभव हर वक्त होता रहे। अब ब्रेकफास्ट वगैरह कर हम करेंगे स्कूल जाने की तैयारी। तो शूज कल धोए थे तो उसकी लेजेस लगानी है। मुझे स्कूल टाइम पर लेजेस लगानी नहीं आती थी, मम्मी ही लगाया करती थी, लेकिन फिर मैंने सीख ली थी और अब मुझे आती ही है। तो यहाँ पर मैं भी आपको कर दिखा रही हूँ कि कैसे आपको लेजेस लगानी है। और हाँ, लास्ट में स्कूल जाने से पहले शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को पूरी तरीके से ज़रूर देखिए कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे तो नहीं रह गई, और अपने आप से पॉजिटिव बातें कर जाइए, अपने आप को थैंक यू और बहुत सारा प्यार देकर आगे बढ़िए।